सो हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी मस्त होंगे। नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। और गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अपकमिंग 5G फोन्स इन फरवरी 2021 यानी 2021 के फरवरी मंथ के अंदर। वो कौन से कमाल के 5G डिवाइस है जो कि आपको देखने को मिलेंगे, क्या कुछ प्राइसिंग होगी, क्या कुछ स्पेक्स होगी उन डिवाइसेस की, और किस डेट को वो देखने को मिल जाएंगे, सब कुछ बहुत ही डिटेल में इस वीडियो के अंदर जानने वाले। तो अगर आपको भी एक 5G फोन बाय करना है फरवरी मंथ के अंदर, या फिर जानना है कि कौन कौन से 5G फोन्स आपको फरवरी 2021 के अंदर देखने को मिलने वाले, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख लेना। सो हे गाइस, मैं हूं सियोम और आप देख रहे हो टेक हेल्पर सियोम YouTube चैनल। वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को डेफिनेटली कर लो यार सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी कमाल की वीडियोस हम लेकर आते रहते। तो गाइस, अगर बात करें सस्ते 5G फोन्स की ना, तो यहां पर सबसे पहले हमें इंडिया के अंदर OnePlus Nord मिला था जो कि 25,000 के ऊपर अभी के टाइम पे भी एक बेस्ट स्मार्टफोन हो जाता है। देन आपको देखने को मिला Motorola की तरफ से Moto G5G जो कि उतना कुछ खास नहीं कर पाया, और अभी रिसेंटली आपको Mi 10 i स्मार्टफोन जनवरी मंथ के अंदर देखने को मिला था जो कि 21,000 के प्राइस के ऊपर आता है 108 मेगापिक्सल कैमरा के साथ में, स्नैपड्रैगन 750G 5G चिपसेट के साथ में, जो कि उतना ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाया था। बट गाइस, ये जो फरवरी का मंथ होने वाला है ना, यहां पर यकीन मानो आपको बहुत ही कमाल के स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे हर एक प्राइस के ऊपर। जहां पर ब्रांड वाइज बात करेंगे, अलग अलग ब्रांड के 5G फोन्स के बारे में बात करेंगे, तो गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे सैमसंग की, क्योंकि एक नॉन चाइनीज ब्रांड हो जाता है और बहुत सारे लोगों को सैमसंग के फोन्स के बारे में जानना है। सो गाइस, सैमसंग की तरफ से आपको कुल 4 से 5 स्मार्टफोन देखने को मिल जाएंगे फरवरी मंथ के अंदर जो कि 5G कनेक्टिविटी के साथ में आएंगे, और कुछ 4G डिवाइस होंगे तो 4G डिवाइस के बारे में हम बात नहीं करेंगे। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है जहां पर उन 4G डिवाइसेस के बारे में भी बात कर रखा है। तो गाइस, यहां पर जो 5G डिवाइस होंगे वो सबसे ज्यादा आपको A सीरीज के अंदर देखने को मिलेंगे। जहां पर जो सबसे पहला डिवाइस होगा वो होगा सैमसंग की तरफ से सबसे चीपेस्ट 5G डिवाइस इनका, जो कि है सैमसंग गैलेक्सी A32 5G डिवाइस। अब गाइस, इस डिवाइस का जो डिजाइन है वो अमेजिंग देखने को मिलता है, हालांकि प्लास्टिक मैट फिनिश के साथ में फोन आएगा, बट जो कैमरा लेआउट है यूनिक मिलता है। और अगर बात करें इस फोन के डिस्प्ले को लेकर, तो फ्रंट साइड में आपको V-शेप वाला नॉच मिलता है और डिस्प्ले आपको 6.5 इंच की मिलती है, IPS LCD पैनल है, फुल HD प्लस रिजोल्यूशन का सपोर्ट मिलता है। लेकिन इस फोन का जो मेन हाइलाइटिंग पॉइंट होगा वो होगा इस फोन के अंदर Dimensity 720 चिपसेट, जो कि 5G इनेबल्ड चिपसेट है, आपको इस प्राइस के ऊपर परफॉर्मेंस भी अच्छी खासी दे देगा। और गाइस, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ना इस फोन के अंदर MediaTek Dimensity 800U, तो ये चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी, बिकॉज प्राइस थोड़ी सी हाई हो जाती है और सैमसंग का फोन है तो प्राइस काफी ज्यादा हाई हो जाती है, और इनको प्राइस कम रखना था इस फोन की, तो यहां पर MediaTek Dimensity 720 चिपसेट लेकर आ चुके हैं। बाकी 48 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा होगा, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर होगा, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं होगा, क्योंकि इस फोन के अंदर आपको एमोलेड सुपर एमोलेड डिस्प्ले नहीं मिलती है। बाकी फोन के अंदर आपको 3.5 मिलीमीटर ऑडियो यानी हेडफोन जैक मिलता है, टाइप सी का सपोर्ट है। और अच्छी बात कि इस फोन की जो प्राइसिंग होगी ना वो 15 से लेकर 20,000 के करीब होगी। तो गाइस, सैमसंग का एक 5G फोन और इस प्राइस के ऊपर एक बहुत ही अमेजिंग चीज हो जाएगी, तो जिनको भी एक सैमसंग का 5G फोन बाय करना है उनको इस फोन का जरूर वेट करना चाहिए। लेकिन गाइस, आगे बढ़े और बात करें अपने अगले सैमसंग 5G फोन के बारे में जो कि आपको फरवरी मंथ के अंदर कंफर्म देखने को मिल जाएगा, जो कि है सैमसंग गैलेक्सी A72 5G डिवाइस। अब बेसिकली एक कैमरा स्मार्टफोन होने वाला है, और गाइस सैमसंग की ये जो सीरीज होती है ना वो ओप्पो के रेनो सीरीज को कंपटीशन देने के लिए लॉन्च करी जाती है। और अभी आपने देखा कि रिसेंटली ओप्पो रेनो 5 प्रो इंडिया के अंदर लॉन्च हो चुका है Under 35K में, तो सैमसंग की यही तैयारी है कि इस फोन को Under 30K यानी 30,000 के करीब लॉन्च किया जाए, और कैमरा के अंदर काफी कमाल की फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे इस फोन के साथ में। यह दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी A71 से काफी हद तक अपग्रेड होगा कैमरा के अंदर। बाकी अगर बात करें ओवरऑल स्पेक्स को लेकर, जहां पर बैक साइड में वही ग्लास्टिक बैक मिलेगा यानी ग्लॉसी फिनिशिंग मिलेगी प्लास्टिक बैक के ऊपर, 6.67 इंचेस की आपको एक डिस्प्ले देखने को मिलेगी जो कि सुपर एमोलेड वाली डिस्प्ले होगी, फुल HD प्लस रिजोल्यूशन का सपोर्ट होगा, सेंटर में पंचोल कटआउट दिया जाएगा, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर होगा, और भाई यहां पर आपको सैमसंग की ए सीरीज की नॉक सिक्योरिटी मिलती है जो कि कमाल की चीज हो जाती है। बाकी इस फोन का जो मेन हाइलाइटिंग पॉइंट होगा वो होगा इस फोन का कैमरा, जहां पर बैक साइड में आपको क्वाड रियर कैमरा देखने को मिलेगा, प्राइमरी लेंस होगा 64 मेगापिक्सल का। बाकी अगर बात करें अदर लेंसेज की, तो 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस, 5 मेगापिक्सल मैक्रो और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग लेंस मिलता है। और यही नहीं, इस बार आपको कैमरा के अंदर OIS का सपोर्ट मिलता है यानी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट, तो यहां पर जब वीडियो आप बनाओगे काफी ज्यादा स्मूथ रिकॉर्ड होगी, काफी स्टेकी मोड में भी काफी कमाल के आप वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। बाकी 32 मेगापिक्सल का एक सेल्फी शूटर मिलता है। लेकिन अगर बात करें परफॉर्मेंस की, प्रोसेसर की, तो ये तो कंफर्म है कि ये फोन 5G कनेक्टिविटी के साथ में आएगा, बट यहां पर दो प्रोसेसर के बीच कंफ्यूजन बना हुआ है, जहां पर एक है Exynos का 1080 और दूसरा है Snapdragon 750G 5G चिपसेट। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर ये फोन Exynos 1080 के साथ में आता है तो काफी कमाल की परफॉर्मेंस मिलेगी और 750G से काफी ज्यादा पावरफुल आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखते हैं कि सैमसंग क्या कुछ करता है, लेकिन इस फोन के साथ में 6GB रैम, 8GB रैम और 128GB का स्टोरेज ऑप्शन देखने को मिलेगा। बाकी गाइस, अगर बात करें अपने अगले सैमसंग 5G फोन के बारे में ना, तो ये बहुत ही कमाल का डिवाइस होगा सैमसंग की तरफ से, जो कि है सैमसंग गैलेक्सी A52 5G डिवाइस। हालांकि इंडिया के अंदर ये 4G वेरिएंट के साथ में भी आएगा, जहां पर आपको Snapdragon 720G देखने को मिलेगा, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं 5G के बारे में, तो यहां पर जो सैमसंग
गैलेक्सी A52 5G डिवाइस होगा। यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 750G 5G चिपसेट देखने को मिलेगा। साथ में इस फोन का जो बैक साइड डिजाइन है ना वो मुझे काफी कमाल का लगा, एक ग्लॉसी फिनिशिंग देखने को मिलता है। फ्रंट साइड में आपको सेंटर पंच होल कटआउट मिलता है, 6.6 इंच की डिस्प्ले है, फुल HD प्लस रिजोल्यूशन है, एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है। बाकी डिस्प्ले के अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है। बैक साइड में वही क्वाड रियर कैमरा मिलता है, 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस है, 32 मेगापिक्सल का एक फ्रंट सेल्फी शूटर देखने को मिलेगा। बाकी ये फोन भी आपको नॉक्स सिक्योरिटी के साथ में देखने को मिल जाएगा। हालांकि इसके अलावा आपको सैमसंग के ए सीरीज के अंदर एक और डिवाइस देखने को मिल सकता है जो कि है सैमसंग गैलेक्सी A42 5G डिवाइस, जो कि गाइस अंडर 25 के आने की एक्सपेक्टेशन है। बट गाइस अगर बात करें इस फोन की परफॉर्मेंस को लेकर तो इस फोन के साथ में आपको स्नैपड्रैगन 750G 5G चिपसेट देखने को मिल सकता है। सो गाइस सैमसंग जो फोन्स लेकर आने वाली है वहां पर आपको मोस्टली फोन्स में ना स्नैपड्रैगन 750G 5G चिपसेट देखने को मिलेगा और यहां पर एक्सोनोस का 1080 चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि सारे स्मार्टफोन 20 से लेकर यहां पर 30,000 के करीब में रहने वाले। तो ये फोन भी आपको अंडर 25 के देखने को मिलेगा। जहां पर इस फोन के बैक साइड में क्वाड रियर कैमरा होगा, 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस है, 6.6 इंच की एक डिस्प्ले होगी, सुपर एमोलेड वाली पैनल होगी, जहां पर आपको डिस्प्ले के अंदर इन्फिनिटी यू कटआउट देखने को मिलता है, वहां पर आपको 20 मेगापिक्सल का एक सेल्फी शूटर देखने को मिलता है। हालांकि डिस्प्ले के अंदर ओनली HD प्लस का ही रिजोल्यूशन मिलता है, तो ये चीज थोड़ी सी मुझे खराब लगी। बाकी इस फोन के अंदर आपको 5000 यानी 5000 एमएच की बैटरी, 15 वाट यानी 15 वाट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। बाकी इस फोन का जो बैक साइड लुक है, जो डिजाइन है, वो मुझे काफी ज्यादा अमेजिंग लगा, बहुत ही कमाल का लगा। और इस फोन के जो वेरिएंट होंगे वो होंगे 4GB रैम, 6GB रैम और 8GB रैम। बाकी इन सभी के साथ में आपको 128GB तक का स्टोरेज ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो ये भी एक कमाल का ऑप्शन हो जाएगा जिनको एक 5G फोन बाय करना है अंडर 25 के सैमसंग की तरफ से। सो गाइस सैमसंग की तरफ से फरवरी मंथ के अंदर आपको यही कुल 3 से 4 स्मार्टफोन देखने को मिल जाएंगे 5G कनेक्टिविटी के साथ में ए सीरीज के अंदर। तो आप इनका डेफिनेटली से वेट कर सकते हो, जो कि 15 से लेकर 30,000 के अंदर में आने वाले हैं। बाकी गाइस अगर आगे बढ़े और बात करें अपने अगले ब्रांड के बारे में, जो कि काफी कमाल के फोन्स लेकर आने वाला है फरवरी मंथ के अंदर, जो कि है रियलमी। जी हां दोस्तों, डेफिनेटली अगर आपको एक 5G फोन बाय करना है और ओवरऑल जो स्पेक्स है वो भी कमाल के चाहिए, तो आप रियलमी के इन फोन्स का वेट कर सकते हो। जहां पर रियलमी की तरफ से फरवरी के स्टार्टिंग में ही आपको देखने को मिलेगी रियलमी X7 सीरीज। हालांकि ये सीरीज आपको जनवरी मंथ के लास्ट में देखने को मिलने वाली थी, बट इसे पोस्टपोन्ड कर दिया गया और आपको फाइनली फरवरी के फर्स्ट वीक तक कंफर्म देखने को मिल जाएगा। जहां पर आपको कुल 2 डिवाइस देखने को मिलेंगे, रियलमी X7 और X7 प्रो, और ये कंफर्म है कि फेब के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिल जाएंगे। जहां पर रियलमी X7 के साथ में मीडियाटेक डायमेंसिटी 800U, तो रियलमी X7 प्रो के साथ में डायमेंसिटी 1000 प्लस चिपसेट देखने को मिलता है। दोनों ही 5G इनेबल्ड है और परफॉर्मेंस वाइज नो डाउट इस प्राइस के ऊपर कोई भी कमी नहीं आने वाली है। जहां पर अगर सीधा सीधा प्राइस की बात करें तो रियलमी X7 आपको 20 से लेकर 25,000 के अंदर रहने वाला है, और जो रियलमी X7 प्रो है ना वो आपको 25 से लेकर 30,000 के अंदर में देखने को मिल जाएगा। तो गाइस ये दोनों ही स्मार्टफोन अपने प्राइस के ऊपर बहुत ही कमाल के स्पेक्स के साथ में आते हैं। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इस फोन के साथ में ना जो परफॉर्मेंस है वो तो अच्छी मिलेगी, जो डिस्प्ले है वो भी अमेजिंग है इन दोनों स्मार्टफोन की। जहां पर रियलमी X7 के साथ में 6.4 इंच की एक डिस्प्ले होगी, एक एमोलेड वाली डिस्प्ले है, बट कोई भी हाई रिफ्रेश रेट नहीं मिलता है, लेकिन डिस्प्ले के अंदर 180Hz का टच सैंपलिंग रेट मिलता है। तो डिस्प्ले के अंदर जो टच रिस्पॉन्स होगा, जो स्मूथनेस होगी, वो आपको कमाल की देखने को मिलेगी। फुल HD प्लस रिजोल्यूशन का सपोर्ट होगा और दोनों ही फोन के अंदर आपको सिंगल पंच होल कटआउट देखने को मिलता है, जो कि लुक वाइज काफी कमाल के हो जाते हैं। जहां पर रियलमी X7 प्रो की डिस्प्ले की बात करें तो 6.5 इंच की एक डिस्प्ले होगी, सुपर एमोलेड वाली पैनल होगी और उसी के साथ में 120Hz हाई रिफ्रेश रेट का सपोर्ट भी मिलता है, तो काफी ज्यादा स्मूथ हो जाएगा। उसके अलावा गाइस यहां पर आपको 240Hz का टच सैंपलिंग रेट मिलता है, तो गाइस यहां पर आपको जो टच रिस्पॉन्स होगा वो भी बहुत ही अमेजिंग देखने को मिल जाएगा। दोनों ही फोन्स के साथ में आपको क्वाड रियर कैमरा देखने को मिलता है, 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस बिल्कुल सेम मिलता है, बट यहां पर जो डिफरेंस होगा वो होगा इनके सेंसर्स में। जहां पर रियलमी X7 प्रो के साथ में आपको सोनी IMX686 सेंसर मिलता है, तो ओवरऑल जो कैमरा क्वालिटी होगी वो भी अमेजिंग मिलेगी। दोनों फोन के फ्रंट साइड में आपको 32 मेगापिक्सल का एक सेल्फी शूटर देखने को मिलता है। तो अगर ओवरऑल स्पेक्स को देखें ना, तो रियलमी के X7 सीरीज बहुत ही कमाल के स्पेक्स के साथ में आते हैं, चाहे बात करें डिस्प्ले की, परफॉर्मेंस की या फिर ओवरऑल स्पेक्स की ना। तो आपको अगर 20 से लेकर 30,000 के अंदर एक 5G फोन बाय करना है, आपको रियलमी ब्रांड से कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इन फोन्स का वेट बेसब्री कर सकते हो। बाकी इसके अलावा आपको रियलमी की तरफ से इनकी न्यूमेरिकल सीरीज फरवरी के मिड या फिर फरवरी के लास्ट तक कहीं ना कहीं कंफर्म देखने को मिल जाएगी, जो कि होगी रियलमी 8 सीरीज, जहां पर आपको रियलमी 8 और 8 प्रो देखने को मिलेंगे। लेकिन इन दोनों ही फोन्स का जो डिफरेंस होगा या फिर मेन हाइलाइटिंग पॉइंट होगा वो होगा इन दोनों ही फोन्स का परफॉर्मेंस, प्रोसेसर या फिर 5G कनेक्टिविटी। जैसे अगर बात करें रियलमी 8 की, तो यहां पर आपको डायमेंसिटी 720 चिपसेट देखने को मिल सकता है, और वहीं पर जो इसका प्रो वेरिएंट होगा यानी रियलमी 8 प्रो, यहां पर ऐसा एक्सपेक्टेड है कि ये स्नैपड्रैगन 750G 5G चिपसेट के साथ में आने वाला है, जो कि अभी रिसेंटली आपको मी 10 आई स्मार्टफोन के अंदर और मोटोरोला की मोटो जी स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिला है। और ऐसा एक्सपेक्टेड है कि ये स्मार्टफोन अंडर 20 के यानी 20 से लेकर 21,000 के करीब आने वाला है, जो कि मी 10 आई को एक कड़क टक्कर देने वाला है। बाकी जो स्पेक्स है लगभग सेम देखने को मिलेंगे, जैसे रियलमी 8 के अंदर आपको रियलमी 7 जैसे ही 90Hz रिफ्रेश रेट, IPS LCD पैनल देखने को मिलेगा, और जो प्रो वेरिएंट होगा यहां पर आपको एमोलेड स्क्रीन,
120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल सकता है। बैक में दोनों ही फोन्स के साथ में इस बार भी आपको प्लास्टिक बैक मिलेगी, हालांकि ये क्वालिटी इंप्रूव करेंगे बट यहाँ पर आपको प्लास्टिक बैक कंफर्म देखने को मिलेगा। बाकी दोनों फोन के बैक साइड में आपको क्वाड कैमरा सेंसर मिलेगा, 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस। तो ओवरऑल जो स्पेक्स है वो लगभग सेम होंगे रियलमी 7 सीरीज से, लेकिन जो बड़ा अपग्रेड देखने को मिलेगा वो होगा इनके 5G कनेक्टिविटी के अंदर, परफॉर्मेंस के अंदर और प्रोसेसर के अंदर। और इतना आप कंफर्म कह सकते हो कि रियलमी की 8 सीरीज आपको फरवरी लास्ट तक कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर कंफर्मली देखने को मिल जाएगा। बात करें Xiaomi यानी Redmi की, तो यहां पर आपको Mi 11 स्मार्टफोन देखने को मिलेगा जो कि अब तक का सबसे सस्ता फ्लैगशिप डिवाइस होगा स्नैपड्रैगन 888 के साथ में। 108 मेगापिक्सल वाला सेंसर देखने को मिलेगा, साथ में इस फोन का जो बैक साइड डिजाइन है काफी यूनिक, काफी ज्यादा कमाल का लगता है और जो कैमरा लेआउट है ना, जो कैमरा प्लेसमेंट है बहुत ही अमेजिंग लगता है। उसके साथ में इस फोन की जो डिस्प्ले वो भी बहुत ही कमाल की है, 6.81 इंच की एक बड़ी डिस्प्ले देखने को मिलती है, 2K सुपर एमोलेड स्क्रीन है, 120 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट का सपोर्ट है, 480 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट का सपोर्ट है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है और यहाँ पर आपको साइड में पंच होल कटआउट मिलता है। बाकी इस फोन के साथ में 4600 एमएच यानी 4600 एमएच की बैटरी मिलती है, 55 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है, 50 वाट का यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, 10 वाट का रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। तो इस फोन के अंदर ओवरऑल फ्लेक्सिबल के स्पेसिफिकेशन देखने को मिलते हैं और जो प्राइसिंग निकल कर आई है चाइना के अंदर ना, वो आपको देखने को मिली है 8GB रैम 128GB स्टोरेज ऑप्शन के साथ में, 44,000 के करीब, मतलब 43-44,000 के करीब ये स्मार्टफोन अगर इंडिया के अंदर आता है इस स्पेसिफिकेशंस के साथ में तो एक बहुत ही कमाल का ऑप्शन हो जाएगा स्नैपड्रैगन 888 के साथ में। तो अगर आप Xiaomi के फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन बाय कर सकते हो तो आप इस फोन का जरूर वेट करना, एक कमाल के प्राइस के ऊपर बहुत ही फ्लेक्सिबल स्पेसिफिकेशंस के साथ में स्मार्टफोन आने वाला है। इसके अलावा गाइस Xiaomi की तरफ से आपको Redmi का Note 10 सीरीज देखने को मिलेगा जो कि कंफर्म हो चुका है और गाइस Redmi का Note 10 Pro अब BIS पर भी लिस्टेड हो चुका है, दैट मींस कि बहुत ही जल्द आपको ये डिवाइस यानी फरवरी लास्ट तक कहीं ना कहीं आपको ये डिवाइस इंडिया के अंदर देखने को मिल जाएंगे। जहां पर गाइस अगर बात करें दोनों ही फोन्स की ना, तो जो Redmi का Note 10 है इसके स्पेक्स बिल्कुल कंफर्म है, जहां पर ये फोन MediaTek Dimensity 800U चिपसेट के साथ में आता है जो कि एक पावरफुल चिपसेट है, 7nm आर्किटेक्चर के साथ में एक पावर एफिशिएंट चिपसेट हो जाता है। बाकी इस फोन की जो डिस्प्ले होगी 6.53 इंचेस की होगी, एक फुल HD प्लस रिजोल्यूशन वाली डिस्प्ले है बट यहां पर आपको नॉर्मल 1600 रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलता है और नहीं डिस्प्ले के अंदर कोई भी एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, एक नॉर्मल IPS LCD पैनल डिस्प्ले देखने को मिलती है। तो डिस्प्ले मुझे उतनी ज्यादा इंप्रेसिव नहीं लगी, लेकिन 5G कनेक्टिविटी मिलती है और इस फोन की जो एक्सपेक्टेड प्राइस है ना वो 15,000 से लेकर 17,000 के करीब रहने वाली है, तो ये एक अच्छी चीज हो जाती है, मतलब कम प्राइस के ऊपर 5G कनेक्टिविटी वाला फोन। बाकी इस फोन के साथ में आपको 5000 mAh की बैटरी मिलेगी, 18 वाट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट होगा और बैक साइड में आपको सर्कुलर ट्रिपल रेयर कैमरा देखने को मिलता है, 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस होगा। और गाइस यहां पर जो Redmi का Note 10 Pro है ना, इसको लेकर उतनी इन्फॉर्मेशन तो नहीं है बट अंडर 20 के ये बहुत ही कमाल के स्पेक्स के साथ में आएगा, नहीं 20,000 के अंदर ये बहुत ही कमाल का 5G डिवाइस होने वाला है। तो अगर आपको भी 15,000 से लेकर 20,000 के अंदर कोई 5G फोन बाय करना है तो आप Redmi के Note 10 सीरीज का वेट डेफिनेटली कर सकते हो। तो 2021 के फरवरी मंथ के अंदर आपको Xiaomi की तरफ से यानी Redmi की तरफ से 3 स्मार्टफोन कंफर्मली देखने को मिल जाएंगे। बाकी आगे बढ़ते और बात करते हैं गाइस अगले ब्रांड के बारे में जो कि कैमरा स्मार्टफोन बनाने के लिए जाने जाते हैं, स्लिम और बहुत ही कमाल के डिवाइस बनाने के लिए जाने जाते हैं जो कि है Vivo। सो Vivo की तरफ से आपको कंफर्मली फरवरी मंथ के अंदर एक सीरीज देखने को मिलेगी जो कि है Vivo की X60 सीरीज, जहां पर आपको Vivo X60 और X60 Pro डिवाइस देखने को मिलेंगे। और गाइस ये वही सीरीज है जो कि आपको लास्ट Vivo X50 सीरीज के अंदर गिम्बल लाइक कैमरा सिस्टम लेकर आए थे और एक कमाल की इनोवेटिव कैमरा सिस्टम के साथ में आए थे, मतलब यहां पर आप बहुत ही सेकी मोड में बहुत ही स्मूथ वीडियो रिकॉर्ड कर पा रहे थे। तो यही सेम चीज आपको Vivo X60 सीरीज के अंदर Vivo X60 और X60 Pro के अंदर मिलेगा बट ये ना इंप्रूव होने वाला है, मतलब Vivo ने कंफर्म कर दिया है कि ये सेकंड जनरेशन गिम्बल लाइक कैमरा सिस्टम होगा। बाकी इसके अलावा 6.56 इंचेस की डिस्प्ले होगी दोनों ही फोन्स के अंदर, E3 सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी और दोनों ही फोन्स के सेंटर में इस बार आपको पंच होल कटआउट मिलेगा। दोनों फोन में 120 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट का सपोर्ट होगा, 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट होगा, दोनों फोन के अंदर HDR 10 प्लस का सर्टिफिकेशन होगा, लेकिन जो डिफरेंस होगा वो होगा इन दोनों ही फोन्स के कैमरा के अंदर, जहां पर Realme X60 के अंदर आपको ट्रिपल कैमरा लेंस मिलेगा 48 मेगापिक्सल के प्राइमरी लेंस के साथ में, तो Realme X60 Pro के साथ में क्वाड रियर कैमरा होगा 64 मेगापिक्सल सेंसर के साथ में और बाकी कुछ चीजों में यहां पर आपको कैमरा के अंदर ही डिफरेंस देखने को मिलेगा। हालांकि अगर Realme X60 सीरीज के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो हर स्पेक्स के बारे में तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, चैनल पर जाकर चेकआउट कर लेना। तो बस यार कुछ यही कंफर्म स्मार्टफोन थे जो कि आपको 2021 के फरवरी मंथ के अंदर कंफर्मली देखने को मिलेंगे 5G कनेक्टिविटी के साथ में और इन्हीं स्पेक्स के साथ में। बाकी गाइस इनके अलावा अगर कोई भी फोन आता है ना, कोई भी 5G फोन आता है या फिर कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती है तो चैनल पर अपलोड कर देता हूं। उसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो ताकि ऐसी कमाल की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया और अपने फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स में शेयर नहीं किया तो यार कर दो जल्दी से, सारी चीजें फ्री है। मिलते एक
नए और कमाल के वीडियो के साथ में। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।